आज हमारे साथ है निशांत माथुर जी, निर्दलीय प्रत्याशी सांगनेर विधानसभा से। निशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जनता दरबार से जुड़ने के लिए। आप हमें निशांत जी बताएं कि जैसे कि सांगनेर विधानसभा, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, तो आप कैसे अपनी जीत को देखते हैं आप? नमस्कार। देखिए, सांगनेर में काफ़ी पार्टी आके काम करके जा चुकी हैं और आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि काम कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। मैं ये संकल्प लेता हूँ और ये मेरा वादा है कि जितने भी मुद्दे हैं, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, एजुकेशन हो गया, जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुए, मैं 1 साल में करने का वादा करता हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि वो काम 1 साल के अंदर अंदर पूर्ण होंगे। जैसे क्या क्या आपके हैं काम करने के लिए, रोडों का लेकर, पानी को लेकर, क्या आपके मतलब जो एक पूरा कि क्या सोचा आपने कि पानी के लिए कैसे पानी का काम करवाएंगे? क्योंकि ये छोटे मोटे तो प्रोजेक्ट होते ही नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको आप कैसे करा पाएंगे अपने? देखिए, जैसे कि हम सड़क की बात करें, सड़कें आज सांगानेर की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आप रात को नहीं जा सकते वहाँ पर, एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं, 100% एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर बाकी देशों में सड़कें 2-3 दिन में बन सकती हैं तो हमारे क्षेत्र में भी बन सकती हैं। वो जो प्रोसेस है उस चीज़ को क्रिएट करने की देरी है बस, ये मेरा मानना है। और ऐसी आप कोई सारे मुद्दे ले लीजिए, हर मुद्दे, आप एजुकेशन ले लीजिए, सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं और लेकिन वो काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो उन योजनाओं को आप धरातल पर कैसे उतारेंगे? देखिए, हम ऐसे प्रोग्राम्स चलाएंगे जिनसे जिन लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुँच पाई हैं उन लोगों तक ये योजनाएं पहुंचेंगी और वो इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। अब इन योजनाओं से एजुकेशन तो प्रमोट हो ही रही है, हम एक स्किल्ड एजुकेशन की अलग से योजनाएं चालू करेंगे जिससे उनका जो टैलेंट है, एक पर्टिकुलर बच्चे का जो टैलेंट है वो बाहर आएगा और उस टैलेंट की उस फील्ड में वो जाएगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं समस्या है, वो दूर हो जाएगी अपने। तो महिलाओं को कैसे आप आगे इस चीज़ में लाएंगे? जैसे मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, आने वाले टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे धरातल पे? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं का, जो महिलाओं पे आज इतना अत्याचार हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हमें नींव से काम करना पड़ेगा। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स में चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस का होना अति आवश्यक है। सेल्फ, जैसे हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, वैसे ही सेल्फ डिफेंस भी कंपलसरी होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के साथ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कंपलसरी करना चाहिए। हर स्कूल्स को अपने सिलेबस में वो चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए और उनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको करवा के दूंगा, ये मेरा वादा है। तो अभी मतलब चुनाव 25 नवंबर को सामने ही हैं, कुछ दिन ही बचे हैं, तो आप कैसे पूरी विधानसभा को कवर कर रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सबसे बड़ा मीडियम है डोर टू डोर, जो मैं जितने भी लोगों से मेरा मिलना हो पा रहा है वो मिल रहा हूँ। बाकी मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो मेरा गोल है वो मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ और उससे लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।